मुबशर लुकमान ने मेरे खिलाफ किसी को गाली नहीं निकाली है, नंबर वन। नंबर दो, ये सब कान खोल के सुन लो, मैं 30-31 साल से इस पेशे से वाबस्ता हूँ। मुबशर लुकमान की 8 साल तक मैंने केसेस में उनको डिफेंड किया है। उस वक्त मैं उनका वकील बना था जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगाव रखते थे। तो लिहाजा अगर किसी के साथ मेरा इतना पुराना ताल्लुक है, उसके वकील रहा हूँ, तो उनके साथ बैठने पे मुझसे कोई सवाल न करें। अलबत्ता मेरे अमल को आप ज़रूर देखें। मुबशर लुकमान ने मेरे से इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में मैंने, चूँकि उनकी ऑडियंस तकरीबन पटवारी ज़्यादा हैं, उनके ऑडियंस आप देखिए, वो कमेंट से पता चल जाएगा, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ उनकी ऑडियंस को पहुँचाया इंटरव्यू के ज़रिए। तो लिहाजा इस तरह न करें कि हमारे वर्कर हमारे बाप बनना शुरू हो जाएं कि किसके साथ मैं बैठूं, किसके साथ न बैठूं। मुझे इलम है, मुझे पता है मेरी हदूद क्या है, मेरी लिमिटेशन क्या है, लेकिन इस तरह ये सियासत तो नहीं हुई है। तो आप हमें कह रहे हैं कि आपकी उंगली हम पकड़ेंगे और इसी तरह चलेंगे। मुबशर लुकमान हुआ या A to Z जो भी हुआ, जो गुज़िश्ता ज़िंदगी में जिनके साथ मेरा ताल्लुक रहा है उनके साथ, हाँ अलबत्ता मेरी मौजूदगी में कोई खान साहब उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई हरदा सराई करेगा, फिर आप उस वक़्त देखें कि फिर मैं अपने अमल से क्या साबित करता हूँ। मुबशर लुकमान के साथ मेरा एक दोस्ताना मरासिम रहे हैं, एक एहतराम का रिश्ता है। ये इस वक्त में भी जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ़ बोलती थी, मुबशर लुकमान ने मेरे खिलाफ़ किसी कंपेन का हिस्सा वह नहीं बने, अच्छे अल्फाज में जिक्र किया।